जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। संपूर्ण ब्रह्मांड में देवों के देव महादेव ही एक ऐसे देव हैं जो केवल जल चढ़ाने मात्र से ही भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किसी खास विशेष पूजा की आवश्यकता नहीं होती है और इसीलिए भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है। अपने भक्तों के द्वारा मन से की गई छोटी सी पूजा से भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। केवल जल चढ़ाने मात्र से भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। तो यदि आप सावन में सोमवार का व्रत रखते हैं या फिर कभी भी सोमवार का व्रत रखते हैं तो भोलेनाथ की इस कथा का श्रवण अवश्य करें, अवश्य सुने इस कहानी को। तो आज इस वीडियो में हम आपके साथ सोमवार व्रत की कहानी कथा शेयर करने जा रहे हैं। तो पूरा वीडियो देखिए। एक बार यदि आप इस कहानी को, इस कथा को सुनना प्रारंभ कर देते हैं तो आपको चाहिए कि आप बीच में इस कहानी को ना छोड़ें। तो आइए शुरू करते हैं। ये काफ़ी प्राचीन बात है। किसी नगर में एक साहूकार हुआ करता था। काफ़ी धन था उसके पास, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी और वो साहूकार भगवान भोलेनाथ महादेव शिव का अनन्य भक्त था। सब कुछ होते हुए भी उस साहूकार के पास एक कमी थी और वो कमी थी कि उसके पास कोई पुत्र नहीं था। उसके घर में संतान की कमी थी और इसी कामना को लेकर, इसी इच्छा को लेकर वो साहूकार रोजाना अपने घर के नज़दीकी शिव मंदिर में जाकर एक दीपक जलाया करता था। ये नियम उसका वर्षों से चला आ रहा था। उस साहूकार की भक्ति भाव को देखकर, उस साहूकार की श्रद्धा भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने भोलेनाथ शिव से कहा, हे प्रभु, मैं देख रही हूँ कि ये साहूकार वर्षों से आपकी सेवा कर रहा है, वर्षों से आपकी श्रद्धा भाव से पूजा कर रहा है। ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है। इसको किसी बात का कष्ट है तो उसे आपको अवश्य ही दूर करना चाहिए। तब भोलेनाथ शिव पार्वती जी से कहते हैं, हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है और वो इसी बात से दुखी रहता है। तब माता पार्वती कहती है, हे प्रभु, कृपया करके इसे पुत्र का वरदान दीजिए। तब भोलेनाथ शिव कहते हैं, इस साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है और ऐसे में यदि इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल जाता है तो वो केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा, इसीलिए मैं इसे ये वरदान देना नहीं चाहता हूँ। ये सुनने के बाद भी माता पार्वती भोलेनाथ शिव से कहती है, हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वर तो देना ही चाहिए, अन्यथा भक्त आपकी सेवा पूजा क्यों करेंगे? आखिर क्यों भक्त आपकी पूजा करे? तो इसे वरदान तो मिलना ही चाहिए। अब माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे देते हैं, लेकिन साथ यह भी कहते हैं कि ये पुत्र केवल 12 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। अब जब साहूकार ने इस वरदान की बात सुनी और साथ में ये सुना कि पुत्र 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा, तो ऐसी स्थिति में उसे ना तो खुशी हुई और ना ही दुख हुआ। वो पहले की तरह ही भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। शिव के वरदान से सेठानी गर्भवती हुई और 9वें महीने उसे एक सुंदर बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में एक खिलौना आ गया। खूब हर्षोल्लास के साथ बालक का स्वागत किया गया। चारों तरफ खुशियां मनाई जाने लगी। ढोल धमाके, जो कुछ भी साहूकार के परिवार वाले कर सकते थे उन्होंने अपनी खुशी का भरपूर इजहार किया। लेकिन साहूकार पहले की तरह ही रहा। उसने ना कोई खुशी प्रकट की, ना कोई दुख प्रकट किया। उसने बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र भी किसी के साथ नहीं किया। केवल उसे मालूम था कि ये बालक 12 वर्षों तक ही जीवित रहने वाला है। समय बीतता चला गया और जब बालक 11 वर्ष की आयु का हो गया तो एक दिन साहूकार और उसकी सेठानी बैठे हुए थे। सेठानी ने बातों ही बातों में सेठ जी से कहा कि इस बालक का विवाह करना चाहिए। तो साहूकार ने कहा, अभी कहाँ विवाह, अभी तो बालक है, इसे पढ़ने के लिए हम काशी भेजेंगे। इसके बाद उसने बालक के मामा जी को बुलाया और मामा को बुलाकर उसे काशी पढ़ने के लिए भेज दिया। कहा कि इसे लेकर जाओ, काशी लेकर जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना पड़े वहाँ यज्ञ करना,
ब्राह्मणों को भोजन कराना और फिर आगे बढ़ना, यानी कि जहाँ जहाँ भी तुम रुको वहाँ यज्ञ जरूर करना, ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराना और फिर इसे आगे लेकर जाना। तो मामा भांजे निकल पड़े काशी की ओर, जहाँ रुकते वहीं यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते, बढ़ते जा रहे थे। रास्ते में एक दिन राजकुमारी का विवाह था। जिस व्यक्ति से राजकुमारी का विवाह होना था वो एक आँख से काना था। तो उसके पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उसके मन में आया, क्यों ना इसे ही घोड़ी पर बिठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा लिए जाए। तो उन्होंने उस बच्चे के मामा से बात की और कहा कि इसे थोड़े दिन के लिए यहाँ रख लो, इसके बदले में वो उसे ढेर सारा धन देंगे। मामा जी राजी हो गए, चलो। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की वेदी पर बैठा, विवाह के कार्य संपन्न हो गए। तो जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ वो तुझे भेजेंगे वो तो एक आँख से काना है। इसके बाद वो अपने मामा के साथ काशी के लिए चल दिया। उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर यह लिखा हुआ पाया तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया, बारात खाली ही लौट गई। उधर मामा और भांजे धीरे धीरे काशी पहुंच ही गए। एक दिन जब मामा ने यज्ञ किया और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया तो मामा ने अंदर जाकर देखा। मामा ने देखा कि भांजे के प्राण निकल चुके थे, क्योंकि भांजा 12 वर्ष का हो चुका था। जैसे ही वो 12 वर्ष का हुआ उसके प्राण निकल गए। अब उस बच्चे का मामा बेहद परेशान हो गया, लेकिन सोचा कि अभी रोना पीटना मचाया तो सारे ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ का कार्य भी अधूरा रह जाएगा। तो उसने यज्ञ संपन्न करने की सोची और यज्ञ संपन्न किया। यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू कर दिया। उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। तो माता पार्वती ने शिव से कहा, भोलेनाथ से कहा, हे प्रभु ये कौन रुदन कर रहा है? तो भोलेनाथ शिव ने कहा कि ये वही साहूकार का पुत्र है जो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा है और अब मर चुका है और इसीलिए उसका मामा रुदन कर रहा है। तब माता पार्वती कहती है, हे स्वामी इसे जीवित कर दीजिए, इसे जीवित कर दीजिए, अन्यथा इसके माता पिता के रोते रोते प्राण निकल जाएंगे। भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती इस बच्चे की आयु इतनी ही थी सो वो भोग चुका है। लेकिन माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे पुनः जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए उठ खड़ा हुआ। मामा भांजे दोनों ने भोलेनाथ शिव को धन्यवाद दिया और अपनी नगरी की ओर लौट पड़े। रास्ते में वही नगर पड़ा और राजकुमारी ने उसे पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारा धन धान्य दिया और उसे विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उनका पुत्र से कुशल ना लौटा तो वो छत से कूदकर अपने प्राण का त्याग कर देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू को आने का समाचार साहूकार को सुनाया। साहूकार मामा की बात को माना नहीं। उसे मालूम था कि 12 वर्ष पूरे हो चुके हैं और बच्चे का मरना निश्चित है, क्योंकि ये स्वयं भोलेनाथ ने कहा है। तो वो माने नहीं। मामा ने शपथ पूर्वक कसम खाकर कहा तो दोनों को विश्वास हुआ। दोनों बाहर आए, दोनों ने अपने बेटे बहू का स्वागत किया और उसी रात साहूकार को स्वप्न में भोलेनाथ शिव ने दर्शन दिए और कहा, हे भक्त मैं तुम्हारे पूजन से, तुम्हारी श्रद्धा भाव से प्रसन्न हूँ। इसी प्रकार से जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा उसके समस्त दुख दारिद्र्य दूर हो जाएंगे और उसकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति अवश्य होगी। जो भक्त सोमवार का व्रत रखकर इस कथा को सुनेगा उसकी सारी समस्याएं स्वतः ही समाप्त होने लगेगी। तो ये थी सोमवार के व्रत की कथा। आशा है आपको ये कहानी, ये कथा अच्छी लगी होगी। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। और यदि आप सोमवार का व्रत रखते हैं तो हमेशा सोमवार के व्रत वाले दिन इस वीडियो को चलाकर आप इस कहानी को अवश्य सुनिए। और इसी तरह की और कथा कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज।
तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो कृपया अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करने के तुरंत बाद घंटी के बटन पर भी अवश्य क्लिक कीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूँगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम। जय हनुमान।